लाइव हो गया दोनों भैया। हमारे भाई लोग पहले ऐड हो जाए लोग। ये वाला ये भी स्टार्ट हो, धीरे धीरे जुड़ेंगे, बस दो मिनट कनेक्ट हो जाए भाई। भैया जी को प्रणाम करता हूँ अभिषेक त्रिपाठी जी। नमस्ते भाई विकास यादव जी। गुड नाइट हमारे भाई धीरज कुमार चौरसिया, लव यू भैया। ये भी स्टार्ट हो गया ना, एक साथ है हम आज अपने पेज पे और इंस्टा पे लाइव आइल बनी आप सबसे आशीर्वाद पावे खातिर। सबके पैर छू के प्रणाम करत नहीं, आप सब ऐसे ही आशीर्वाद एकदम बनौले रही जा। और आशा व उम्मीद बाकी हमारे भोजपुरिया समाज, हमारे भोजपुरिया जहान एकदम ठीक है। थोड़ा सा तकलीफ का समय चल रहा है, लेकिन यही में बच बचा के रहे के बा, खुश रहे के बा, सभी एकदम गदगद बा। जय हो। ये पेज है और ये इंस्टा है ना, तनी दोनों पानी एक साथ है, कोनो गलती हो जाए तो क्षमा कर दिया जाए। सबको प्रणाम, सबको प्रणाम। हमारे भाई इतने दिल से एकदम दुआ दे रहे हैं और क्या चाहिए। शुभम कुमार जी लव यू भैया, लव यू मेरा भाई। आदर्श गुरु जी मेरा छोटा भाई, भैया नमस्ते, खूब खुश रहो मेरा भाई, खूब आगे बढ़ो, खूब तरक्की करो। नजर न लग जाए हमारे बॉस के, अरे हमारे भाई के छत्र छाया बाप नजर कहाँ से लगी। बड़ा मन एकदम खुश बाप। आज हमने के तीन भाई बानी जाए एक बहन, सबसे बड़ भैया के लड़का हमें हमार प्रदुमन सिंह, उनका आज जन्मदिन बा। थोड़े देर के बाद बेटा के हमने की एक छोटा सा सही केक काट जा। और कोई भी कलाकार जब मेहनत करेला हो कि आशीर्वाद मिलेला आप लोगन के द्वारा तो बहुत ही खुशी होला। अभी देखी गाना हमारे एक रिलीज भइल बा, पुदीना है हसीना। हमके लगा था कि 10-12 साल के बाद हमने आज कॉमेडी सॉन्ग मेरा मार्केट में आया हुआ है और हमारे भाई आप लोग उसको इस गाने को बहुत ही पसंद कर रहे हैं। बहुत खुशी होता कि आज सवेरे से यह गाना के आप लोग ट्रेंडिंग में ला देले बानी जा, नंबर वन ट्रेंडिंग पे। और सुबह से अभी तक गाना ट्रेंडिंग नंबर वन पे बा। मजा आ गई गाना गा के भी, और उसे ज्यादा मजा आवा था जब ये गाना रिलीज भइला। आप लोग इतना सुनत हवा जा, देखत हवा जा, गाना ट्रेंडिंग में ला देला जा, अब ऐसे बड़ खुशी का हो सकेला। मात्र 12 घंटे में ट्रेंडिंग पे आया, डायरेक्ट नंबर वन पे। ये सब हमारे भाइयों का गाना बजा प्यार है। गाना बजा दो भाई।
ये देखिए, इस गाने को म्यूजिक से सजाए हैं हमारे छोटे भाई प्रियांशु जी। अरे बाबू, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। इस बच्चे को आप लोग आशीर्वाद दीजिए कि ये खूब तरक्की करे और मेहनत करे। सबको प्रणाम। और हम आज जो कुछ भी है, दोनों में आ जाइए, आज जो कुछ भी है आप सबका आशीर्वाद है। वाह। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत कम टाइम में सबको मौका नहीं मिलता है जितना आप लोगों ने प्यार आशीर्वाद देकर आज इस मुकाम तक पहुंचाया है मुझे। सबको लव यू और सबको दिल से प्रणाम, सबको थैंक यू। और कोशिश हमेशा यही करेंगे कि भैया की आवाज़ में, सबके आवाज़ में जो भी अच्छा है, बिल्कुल बिल्कुल, भैया की तरफ से कभी भी ऐसा नहीं रहता है, सबका काम करना है, एकदम दिल से काम, बिल्कुल सबका काम करिए, दिल से काम करिए, जिसका भी काम करिए दिल से करिए, सबका साथ दीजिए। ये गाना आज कल आया था हम लोगों का, पुदीना है हसीना, और मात्र 12 घंटे में ही नंबर वन सीधा। सबसे बड़ा लड़का है मेरा बेटा प्रद्युमन सिंह, उसका जन्मदिन है आज, उसको आप लोग आशीर्वाद दीजिए। और हाँ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, पीछे से आओ, पीछे से आओ। इस गाने में जो पवन सिंह से इस गाने में जो हमसे पुदीना खरीदने वाला है, वो देखिए मेरा ग्राहक पीछे खड़ा है। बोलो, कुछ बात करो यार। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग गाना ट्रेनिंग में रखे हैं, इतना प्यार आशीर्वाद दिए हैं, ऐसे ही आशीर्वाद प्यार देते रहे। मुनमुन सिंह सूरज प्रताप जी, आई सूर्या 999 जियो बॉस, थैंक यू मेरा भाई।
देखा हमरे भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार नायिका, ये भी वर्ड कम है इनके लिए। रानी चटर्जी जी भी इस लाइव को देख रही हैं, थैंक यू रानी जी। रानी जी तो रानी जी हैं, रानी रियल रानी हैं, आप रियल रानी हैं। ये हमार गाना आ रहा हलवा परसों, जो ना गाना के टाइटल पर मजनुआ पीटा था, वो गाना के भी आप लोग आशीर्वाद दे हम जा। उम्मीद बाकी वो गाना भी आप सबके बहुत अच्छा लगी। रोहित वर्मा जी थैंक यू भाई। अर्चना सिंह जी, आपके भोजपुरी से ही हूँ मैं भी, पहचानी तना, सॉरी माफी चाहता नहीं, लेकिन प्रणाम करते हैं आपकी किसी या मत। जितेंद्र पांडे कुमार वेरी नाइस सॉन्ग ब्रदर, थैंक यू मेरा भाई। ये इंस्टा नहीं चल रहा है क्या? इंस्टा चल रहा है, सबके गाना आवे, सबको आप लोग आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि सबके लिए आप सब ही रियल हीरो हैं। हम लोग बोलते हैं हमार भोजपुरी ऑडियंस,
भगवान है वाकई में, आप लोग रियल भगवान है, क्योंकि आप लोग जिसको चाहेंगे वही गदगद रहेगा। बाकी क्या इंडस्ट्री में चल रहा है अपने भोजपुरी समाज में भी, या जो भी गायकी है या नेटवर्क आजकल फेसबुक इंस्टा पे लाइव पे आके पता नहीं क्या क्या चलता है, हम तो इस सब के चक्कर में ना रही ला, लेकिन आदमी कितना दुर्भागी, कब तक चुप रही, बड़ा दुख होता। लेकिन सब खुशी तो है ही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक मन में तकलीफ भी है कि ये सब क्या चल रहा है। मैं नहीं चाहता हूँ कि बोलूँ, चुप रहूँ तो भी लगता है कि क्यों चुप हूँ, काहे चुप हूँ। कभी कभी आप लोग हमके देख लो को बजा कि गुस्सैली हम, या कभी थोड़ा हार्ड टॉक कर दिया इंस्टा पे या पेज पे, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, सॉरी। फिर भी मैं चुप हो जाता हूँ कि जाने दो यार, जो चलो ठीक है, क्या बोलना है, चलो तुम लोगों को जो ठीक लगे वो करो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ बोल दिया दो लाइन और फिर दो चार दिन के बाद कुछ सोचा फिर चुप हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं डर गया। मैं डरता नहीं हूँ, मैं हाँ बदनामी से डरता हूँ, ऊपर वाले से डरता हूँ, माता पिता गुरुजी से डरता हूँ, आप लोग से डरता हूँ। बाकी कोई ताकत नहीं है जो मुझे डरा दे, बाकी मुझे डर नहीं लगता किसी से। बस ये चाहता हूँ कि मैं न बोलूँ, न चाहूँ कि किसी के लिए हार्ड बात बोलूँ या कुछ रिएक्शन दूँ, क्या फ़ायदा, नहीं यार। लेकिन जो अभी चलत है ना, अभय सिंह जी नमस्ते भैया, ठाकुर सुधीर सिंह जी नमस्ते भैया, गुड्डू सिंह मौर्या जी नमस्ते भाई, सुनीता देवी नमस्ते जी, स्मृति खन्ना जी प्रणाम, किंग बाबू 1234, बाप रे बाप कितना हंसले हवा हो, और एक भाई इतना दिल बनाया है। लेकिन ये मैं क्या है ना, हमेशा से हम ज़्यादा ना बोलेला, बस यही बोलेला कि इंसान के लिए सारा काफ़ी होता है। आप लोग मालिक हैं, आप लोग भगवान हैं, आप लोग ऐसा माहौल बनाइए कि चाहे हम ही क्यों ना हो, चाह के भी कुछ ऐसा काम ना करें जो वो मतलब शर्मिंदा हो। काम हम लोग ऐसा करें जिससे सबको खुशी मिले, जे जेकर फैन बहु के लाइक करे, ओके खूब सराहना करे, लेकिन केहू के बारे में आके गलत बोलना या गाली दे देना, ये सब क्या चल रहा है अपने इंडस्ट्री में, नहीं होना चाहिए। पवन श्रीवास्तव जी भैया, अपना भोजपुरी दिन प्रतिदिन गंदा होता जा रहा है। सही हो ब्रदर, सही बोल रहे हो आप, लेकिन नहीं चाहता हूँ यार कि तैस में आकर मैं कुछ बोल दूँ। चाहता हूँ कि शांति बना रहे, लेकिन लगता कि शांति बनल रहे ना दही लोग, कुछ लोग क्या है ना, एक गलती करता है भैया। जैसे हम लोग मुंबई दिल्ली इंडिया के बाहर कहीं भी जाते हैं, किसी भी मॉल में जाते हैं, तो आप लोगों के साथ भी होता होगा ऐसा कि जांच सबके होला, जिससे लगे लगे चोरी हम ही कैले बनी, चोरी आप ज़्यादा नहीं तो आप ही कैले बनी, लेकिन क्या करिएगा, करता एक है लेकिन जांच सबको करवाना पड़ता है। तो कहाला ना भोजपुरी में गेहूं के साथे घून पिसाइल, वही हाल है। मत करा जा भैया, एकदम हाथ जोड़ के विनती भाई यार, नहीं तो हम भी मान लो इंसान ही हैं, कितना आदमी रोकी 3-4 साल 5 साल से, जिसको जो मन में आता है पवन सिंह के बारे में बोल दो, कभी ये आ जाना, कभी वो चीज़ आ जाना, कभी वो बोल देना, ये क्या है, मत करो ऐसे आप लोग। सब लोग नहीं, लोगों की तो दुआ है कि आज हम ये बैठ के इतना बात शेयर कर पा रहे हैं आप लोगों से, बस वही बात है, करता एक है और
टेंशन सबको होता है। इतना करोड़ आबादी में हमार बाप भोजपुरी जहान के 40 करोड़ के करीब हमनी के बानी जाए। हमारी इंडस्ट्री बॉलीवुड के बाद हमारी इंडस्ट्री दिखने दिखल चाहत रहे चारों तरफ, लेकिन अपन इंडस्ट्री आप लोग साथ दे हब जा, आप लोग अच्छा के साथ नहीं जा। जेकर अच्छा लगा था ओकर गाना सुना जा, जेकर फिल्म अच्छा लगा था ओकर फिल्म सुना जा, लेकिन केहू के बारे में हम कौन होते हैं या आप कौन होते हैं कि टिप्पणी करें उनके बारे में आके डायरेक्ट बोलना मत करिए। ये सब इन सब चीज़ों से भोजपुरी का विकास नहीं हो रहा है, गिरते ही जा रहा है। वो एक भाई बोला ना कि भोजपुरी अपना दिन पर दिन गंदा होते जा रहा है। क्यों ऐसा काम हम लोग ऐसा करें कि अपना समाज बोले कि यार सीना चौड़ा हो रहा है। बलवंत सिंह आई लव यू मेरा भाई। मोनू पांडे नए सॉन्ग के लिए बहुत बहुत बधाई बड़े भैया, थैंक यू मेरा भाई। धानु कुमार धानु जी नमस्ते। शर्मा जी 2.0 भैया एक गाना बस एक सॉन्ग क्या सॉरी। जब भी कोई मेरा गाना रिलीज होता है हम एक दिन बोले थे कि भाई जो भी हमारे भाई गाना सुनते हैं और मेरे गाने को सुन के जो कमेंट करते हैं मैं सारा कमेंट पढ़ता हूँ, मुझे बहुत ही खुशी होती है आप सबका कमेंट पढ़ के। हम एक दिन बोलने रह नहीं देखा हो का ही क्या प्रॉब्लम है आ गया सॉरी सॉरी मेरा भाई नेटवर्क प्रॉब्लम थोड़ा था। कोई भी गाना रिलीज होला भाई हमारे इतना बढ़िया बढ़िया आप लोग कमेंट लिखे ला जा, अपने भाई के लिए फुर्सत निकाल के हमारे भाई कमेंट लिखते हैं आप लोग, ये हमारा सौभाग्य है। अपने कीमती समय में से हमारे भाई हमारे लिए टाइम निकाल के गाना सुनते हैं और ऊपर से कमेंट भी लिखते हैं, बहुत अच्छा लागेला। सुधीर सिंह जी हाय, दीपक मिश्रा जी, कुमार आनंद जी, कुमार आनंद जी सर जी मेरा गांव भी आरा जिला में ही है, वाह जय हो। राजा यादव जी कॉन्ग्रेचुलेशंस पोन भैया फॉर, थैंक यू मेरा भाई। हम सब भोजपुरिया जहान इतना बड़ा हमारा परिवार है, हम सब जब एक रहेंगे एकजुट रहेंगे तब फिर दूसर के उसे ना हमने की कहिए कि के हमारे भाषा के बारे में बोला लाओ तो वहाँ आदमी सीना अड़का के बोलेगा किसका हिम्मत हुआ क्या करने का या क्या बोलने का या हमारे भोजपुरी पे उंगली उठाने का। तो जब हमनी के अपनी इंडस्ट्री में बानी जाए और अपने ही इंडस्ट्री में हम लोग उंगली उठाएंगे तो कहाँ से विकास करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग ऐसा माहौल बनाए, हम लोग ऐसा ये करें कि हम सब परिवार एक रहें, हम सब मिल के एकदम खुश रहें, जीवन का आनंद उठाएं, ताकि हमारे भोजपुरी के लिए कोई और टिप्पणी नहीं कर पाए और कोई कर भी दे तो हम लोग वहाँ खड़े हों बोलने के लिए कि हाँ जी आपने बोल कैसे दिया, भोजपुरी मेरी माँ है। और अपने परिवार में ही हंसी मजाक चली तो ये अच्छा लगेगा ना, अच्छा लगेगा। आज भी एक जाना कि हम गाना सुननी है, अब क्यों हमारे ऊपर गाना गौले हुआ अच्छा बेटा मान लो तुहार पवन सिंह के गाड़ी दे के तुहार अगर मन में खुशी होता तो के गुदगुदी आवता कि आ हा हमने आज तो तीर मार दिया पवन सिंह को गाली दे के, ठीक है बेटा तो आप खुश रहो गाली दे खुश रहो, लेकिन ये सही नहीं है। इसके पहले हम यूपी में भी लाइव आए थे तो बोले थे कि बेटा कुरेदा जा मत, ऐसा नहीं है कि मैं बोल दिया फिर चुप हो गया तो मैं डर गया, मैं डरता नहीं हूँ, बोला ना ऊपर वाले माता पिता गुरु और हमारा ऑडियंस, बाकी किसी की ताकत नहीं है जो पवन सिंह को डरा दे। हाँ ये नहीं है कि मैं कुछ और हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ कलाकार ही हूँ, लेकिन हाँ मेरे गुरु जो हैं हमारे अजीत सिंह जी चाचा हमारे, वो सिखाए हैं कि बेटा इंसान के अंदर अभिमान नहीं लेकिन स्वाभिमान होना भी बहुत ज़रूरी होता है और स्वाभिमान हर इंसान में होना ही चाहिए। तो प्लीज अपने समाज में अपने परिवार में एकता रखा जा, हमसे गलती हो के हमके डांटा जा
क्योंकि आप लोग भगवान हैं। आप लोग ऐसा माहौल रखिए कि हम सब मिलजुल के रहें, हंस खेल के रहें और खुशियां मनाते रहें। आप लोगों ने ही सिंगर से एक्टर बना दिया, तो आज मान लीजिए कॉमेडी सॉन्ग आया है, कल सॉन्ग जो आएगा परसों, वो आप लोगों को हो सकता है कि वो गाना देख के आप लोगों का आँख भर जाए। तो हम लोग आपस में ही हंसे, खेलें, रोएं, गाएं, बाजा बजाएं, एकदम मस्त रहें, चाहे जिस रूप में रहें, जैसे रहें, एकदम खिलखिलाते रहें, बम बम रहें। बिल्कुल भाई, जब हमने के मिलल जाए तो काम कर जाए। और तनी लेट हो गया बा, कुछ बेटा मेरा आ गया है, बोल रहा है केक काटने के लिए। तो आप लोग हमारे प्रदुमन बेटा को आशीर्वाद दीजिए कि वो भी जीवन में खुश रहे और भगवान उसको दुनिया की हर खुशी दें। बेटा मेरा खूब तरक्की करे, खूब आगे बढ़े। बाकी जो गाना मेरा कॉमेडी सॉन्ग रिलीज हुआ है, आप लोग सुबह से अभी तक उसको ट्रेंडिंग नंबर वन में रखे हैं, ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। इसके लिए दिल से धन्यवाद आप सबको, जो आप अपने भाई को, पवन को, पवनवा को इतना प्यार करते हैं, दुलार करते हैं और आशीर्वाद देते हैं खुश रहे के बाद। हाँ, थोड़ा सा जरूरी काम हो के तो ही घर से ही बाहर निकले के बाद, जरूरी ना हो के तो घर में ही रही जा, अपने घर में ही हंसी जा, खेली जा, मस्त रही जा। बाकी रुआ पवनवा से कोनो गलती वर्ड मुंह से निकल गया हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। फिर हम लोग मिलेंगे, भूल चूक के लिए माफ़ी। ओके ब्रदर मुकेश तिवारी जी नमस्कार, आकाश अहिरवार जी नमस्ते भैया, अजय यादव जी प्रणाम भाई, हर्षकांत सिंह जी नमस्ते भैया, का क्या होता, अमित सिंह जी हेलो, संतोष पटना जी प्रणाम, आइए माही 45 चले पवन तरो के कौन, बाप रे बाप। ठीक बाप, तनी बेटा के केक काट ली और मैं बहुत खुश हूँ। बस उम्मीद करता हूँ कि अपने परिवार में, अपने समाज में जितना जल्दी हो सके और खुशी की माहौल आए, हम लोगों में एकता आए, हम लोग मिलजुल के रहें, खुश रहें। केहू के मतलब हम ना चाहिला बोले के, लेकिन क्या करूं यार, बोलना पड़ता है। नहीं, अपन इंडस्ट्री में हम लोग जितने एक्टर हैं यार, हम लोग एक परिवार हैं, काम करते हैं मिलजुल के, हम सब भाई हैं। आप लोग देखते नहीं हैं कि हम लोग जब मिलते हैं तो जो सीनियर है वो गले लगाता है, जो जूनियर है वो पैर छूता है, तो हम लोग दिल से दिल मिलाते हैं। तो आप लोग क्यों ऐसा हमारे परिवार में क्यों ऐसा हो जाता है कि हम ये हैं, हम उस जाति से हैं, हम उस जाति से हैं? नहीं, कलाकार का कोई जाति नहीं होता है। पवन सिंह हूँ तो क्या मुझे सिर्फ सिंह लोग सुनते हैं और लोग नहीं सुनते हैं? तो जब सब लोग सुनते हैं तो हमारे लिए भगवान सब लोग हैं, कोई एक नहीं है। पर्सनली किसी के बारे में आके मान लीजिए अगर हमसे कुछ गलती हो गया तो हमारे लिए बोलो ना यार। कहीं हम बैठते हैं तो कोई किसी का आंखों से दिख जाता है कि अरे यार तुमने ये क्या किया, अरे भैया बेटा कसम हमने नहीं किया। अरे यार गलती तुम कर रहे हो, हम कर रहे हो, उसमें बेटे का कसम, हमारा आपका खाने का अधिकार क्या है? वैसे ही अगर हमारा लाइन है ये एक्टिंग करना या गाना गाना, तो हमसे अगर गलती हो जाए या सामने वाले से ही गलती हो जाए तो आप उसको कुछ बोलिए, हमको कुछ बोल सकते हैं? बाकी हमारे माँ के बारे में, हमारे बेटी के बारे में या सामने वाले के माँ के बारे में, बेटी के बारे में नहीं बोलना चाहिए, मत करिए।